हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विजय कुमार गुप्ता, क्लास 9th की केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर चल रहा था एटम एंड मॉलिक्यूल्स का, नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। आइए, इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ प्रमुख जो रूल्स हैं उसके रूल्स के बारे में, जो जानेंगे जो डाल्टन के रूल्स हैं, मास कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, ETC के बारे में और जानेंगे। एटम है, मॉलिक्यूल्स है, इसमें रिलेशन क्या है, आयन क्या है, ETC या आपकी केमिस्ट्री क्या के बेस है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए, फर्स्ट लॉ के बारे में हम जान रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स परमानेंट थे, टेम्परेरी थे। उसी के नेक्स्ट वीडियो आपका देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, देखिए इस रूल्स को 1774 में एक साइंटिस्ट है लेवोसियर, उन्होंने इसे प्रपोज किया था। यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1774 में लेवोसियर, कौन थे, लेवोसियर, लेवोसियर ने इस रूल्स को दिया था। ठीक है, इस रूल्स को उन्होंने दिया था और इन्हीं लेवोसियर को आप कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसी रूल्स को द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1774 में लेवोसियर ने दिया था और लेवोसियर को ही हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का जनक। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं लेंडोल्ट, लेंडोल्ट ने इस नियम को सत्यापित किया था। क्या क्या था, सत्यापित, सत्यापित करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं लेंडोल्ट। लेकिन इस नियम को दिया किसने है, लेवोसियर को, किसमें, 1774 में। इसी लेवोसियर को हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक। ठीक है, आइए इस रूल से है क्या। देखिए, इस रूल के अनुसार ये कहा गया है कि द्रव्यमान अविनाशी होता है, जो द्रव्य है, पदार्थ है, वो अविनाशी होता है, ना नष्ट कर सकते हैं ना उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार जो हमारा द्रव्य है उसे ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है। अर्थात ये जो द्रव्यमान है, द्रव्य है, वो अविनाशी है, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उसे हम बना सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यानी जो द्रव्य है उसे ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे हम बना सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये द्रव्य जो हमारा है, द्रव्य है, वो अविनाशी होता है। ठीक है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं वो, उनका द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात जो बनने वाला उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उनका द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होता है।
उसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्य को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात जो हमारा द्रव्य है वो अविनाशी है। अगर रासायनिक अभिक्रिया की दृष्टि से हम देखते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात जो बनने वाला उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो आपस में बराबर होता है। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज कर लिए यह आपका CaCO3 हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे ये आपका बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी बन जाएगा और प्लस CO2 भी बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका कहलाता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक है। ये क्या है? ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे उत्पाद, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। अब इसकी भी आप डिफिनेशन देख लीजिए कि किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों को हम कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात जो न्यू सब्सटेंस हमको मिल रहा है उसी न्यू सब्सटेंस को हम कहते हैं उत्पाद, यानी प्रोडक्ट कहते हैं इसको। अब इस द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार आप देखेंगे कि किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की मात्रा और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद की मात्रा दोनों आपस में बराबर होती है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए अब कैल्शियम के जितने भी एलिमेंट हैं सभी के एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। देखिए ये कैल्शियम का आपका होता है 40 और कार्बन का होता है 12 और 1 ऑक्सीजन का होते हैं 16 और कितने एटम है? 3 एटम है। यहाँ 3 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे, ऐसे में आपको होगा क्या 40 प्लस 12 प्लस प्रतियां 48, सबको जोड़ दीजिए 8, 2, 10, 0, 4, 4, 8, 1, 9, 10। यानी ये 100 ग्राम हो गया। यानी कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा आपने 100 ग्राम लिया और अभिक्रिया के पश्चात जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उन दोनों प्रोडक्ट को, चाहे एक ही प्रोडक्ट बने, दो बने, तीन बने, सभी को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तब आप देखते हैं इस प्रोडक्ट का जो मास आ रहा है क्या अभिकारक के मास के इक्वल है या नहीं, ये श्योर इक्वल होगा। देखिए ये कैल्शियम आपका हो जाएगा 40 प्लस 16, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया, इसको आप जोड़ेंगे कितना हो गया? ये हो गया 56 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात आ जाइए, यहाँ का हो जाएगा कार्बन होता है 12, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 16 होते हैं। कितने एटम? 2 एटम है, तो 2 × 16 यह आपका हो जाएगा 12 प्लस 32। अब इसको अब इनको क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे, ये आपको हो जाएगा 44 और ये आपका हो गया 56, दोनों को ऐड कर देंगे यानी 56 प्लस ये तो इनकी वैल्यू होगी, ये इनका वैल्यू आपका हो जाएगा 44 इक्वल टू कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी आप लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अधिकारक की कुल मात्रा बराबर उत्पाद की कुल मात्रा की क्या है? बराबर, इसी को क्या कहते हैं?
द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये देखिए कार्बन हो गया। जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब ये बन जाता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन जो आपने रिएक्टेंट के फॉर्म में अभिकारक के रूप में यूज किया है उनकी कुल मात्रा बनने वाले प्रोडक्ट की मात्रा के इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए कार्बन का होता है आपका 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का जो टोटल मास होता है वो आपका होता है 16 है। कितने एटम? 2 एटम है, तो 2 मल्टीप्लाई 16 ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 32 टोटल 44। ये 44 ग्राम आपने सपोज कर लिया हो गया कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिला करके। अब यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, अब इसकी क्वांटिटी को आप देख लीजिए। फिर वही कार्बन का आपका होगा 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16 है। कितने एटम? 2 एटम होते हैं, 2 एटम से इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 2 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। वो चाहे रासायनिक विधि के द्वारा कोई अभिक्रिया हो रही हो या भौतिक विधि के द्वारा कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, अभिकारक की मात्रा उत्पाद की मात्रा के बराबर होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, रोक लीजिए। देखिए स्थिर स्थिर या निश्चित स्थिर या बात करनी है अनुपात का नियम। देखिए इस नियम को प्रोड्यूस करने वाले साइटेट हैं J.L. प्राउस्ट। इस नियम को देने वाले हैं J.L. प्राउस्ट। ठीक है, J.L. प्राउस्ट यह 1799। ठीक है, यह स्थिर या निश्चित जो अनुपात का नियम है, इस नियम को देने वाले हैं J.L. प्राउस्ट 1799। इन्होंने क्या कहा, देख लीजिए, कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि के द्वारा बन रहा हो, यानी कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे वो किसी भी विधि के द्वारा क्यों न बन रहा हो, उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, वो उनका जो मास होता है एक निश्चित अनुपात में ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देखिए आपसे इस नियम के अनुसार कोई रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि के द्वारा क्यों न बन रहा हो, बल्कि उनके यौगिकों का, उनके तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वह एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। एग्जाम्पल की बात देख लीजिए, हम बात करते हैं H2O बनने की बात, यानी जल के मॉलिक्यूल के बनने की बात देखते हैं। तो जो जल का मॉलिक्यूल होता है, यानी जल के 1 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ये जो हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन के 2 एटम पार्टिसिपेट हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम पार्टिसिपेट हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2:1। ठीक है, ये तो उनका हो गया एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो की बात करते हैं तो 2:1 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम यूज हो रहा है,
इसलिए इनका जो एटॉमिक रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अब इनको हम द्रव्यमान की बात करते हैं, तो द्रव्यमान की बात करते हैं, देखिए 1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, है कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम है, 2 एटम होते हैं, 1:2 रेशियो, ऑक्सीजन का होता है 16, ये कितना हो जाएगा 2:16, इसको डिवाइड कर देंगे 2:1 और 2:8 यानी 1:8 हो गया। ये जो आपका एटॉमिक रेशियो हो गया, ये आपका एटॉमिक मास रेशियो हो गया, ठीक है। जब एटॉमिक रेशियो की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम इन विच कंपाउंड पार्टिसिपेट हाउ मेनी एटम्स, यानी किसी भी कंपाउंड्स में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेट होने वाले जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उन्हीं एटम को अगर हम अनुपात के रूप में, रेशियो के रूप में शो करते हैं तब उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेशियो, और यदि उनके एटॉमिक मास का रेशियो शो करना होगा तो एटॉमिक मास के रेशियो को शो कर देंगे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल कर लीजिए, सपोज कर लीजिए आप ला रहे हैं H2SO4 की बात कर लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड की बात, इस सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में, ये सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी विधि के द्वारा क्यों ना बन रहा हो, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ एटम होगा या उनका जो मास होगा, उनका जो उस मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखिए अगर एटॉमिक रेशियो की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1:2 रेशियो, सल्फर 1 है रेशियो, 4:1 ये आपका हो जाएगा क्या 2:1:4। अब सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में अगर हम एटॉमिक रेशियो की बात करते हैं तो 2:1:4, और यही अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास आपका हो जाएगा यानी 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है, है कितने एटम, 2 एटम होते हैं, तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई 2, फिर रेशियो सल्फर क्या होता है 32, ठीक है, उसके बाद रेशियो यहाँ कितने एटम है 4 एटम हो रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, 16 होते हैं, 16 कर देंगे, ये हो जाएगा 2:32:64, इसको हम कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं 1 16 और 32, ये आपको हो जाएगा 1:16:32। अब ये जो आंसर आपको मिला है ये मिलेगा एटॉमिक मास रेशियो, लेकिन ये 2:1:4 का जो होगा ये एटॉमिक रेशियो होगा, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का जो एटॉमिक रेशियो आपका होगा 2:1:4, लेकिन जब एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 1:16:32 के होगा, ये एटॉमिक मास के बेस पे बनेगा और ये एटॉमिक नंबर के बेस पे बनेगा। तो ये स्थिर या मिश्रित अनुपात का नियम है, इसको देने वाले कौन है, J.L. प्राउस्ट 1799, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यह कहा था कि कोई रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि के द्वारा क्यों न बन रहा हो उसमें पार्टिसिपेट होने वाले जो परमाणु होगा, जो एटम होगा उनका रेशियो या उनके एटॉमिक मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है, वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने, ये आपको होता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट रूल आपको जानना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए जो एटम है
मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो एटम है, परमाणु है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन ने ही यूज किया था उस परमाणु शब्द का नाम। उनसे पहले भी हमारे जो मैथ की क्लास थे उन्होंने भी इसी बात को भी कहा था कि कोई भी सब्सटेंस होता, कोई भी द्रव्य है, कोई भी बड़े 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 से बड़े पदार्थ क्यों ना ही हो, लेकिन अगर उनको लास्ट में तोड़ा जाए तो लास्ट में छोटा सा कण मिलेगा जो अविभाज्य है, और उसी कण को उन्होंने परमाणु शब्द दिया था। लेकिन एक्चुअल में अगर परमाणु की बात करते हैं तो एटम का शब्द जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो माना गया है वो डाल्टन के द्वारा ही माना गया है कि परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डाल्टन ने ही। डाल्टन ने 1808 ईस्वी में ये डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रपोज किया था। उन्हें इन्होंने भी बताया था कि कोई भी पदार्थ अगर उनको तोड़ा जाए या कोई छोटे से बड़े पदार्थ को बनाया जाता है तो जो सबसे छोटा कण होता है वही क्या होता है, वही एटम होता है, वही परमाणु होता है। इसी बेस पे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है जिसको कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये दिया था 1808 ईस्वी में। देखिए नंबर वन पॉइंट में इन्होंने कहा था कि कोई भी द्रव्य है वो अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको परमाणु कहा गया। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि कोई भी द्रव्य है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उसी अति सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, परमाणु हो गया कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु क्या, परमाणु अविभाज्य है यानी बिना विभाजित हुए ही रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ये इन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या कहा था कि परमाणु हमारा अविभाज्य है अर्थात बिना विभाजित हुए ही किसी भी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। पॉइंट उन्होंने दिया था जो परमाणु है वो अविनाशी है अर्थात परमाणु अमर है, परमाणु को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु अविनाशी है, एटम हमारा अविनाशी है, इसे ना आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक नाभिक से दूसरे नाभिक में उसको परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा था। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा था कि जो हमारा परमाणु है वो बिना विभाजित हुए ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की एक यूनिट है कौन, परमाणु। परमाणु जो है वो बिना विभाजित हुए ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो यूनिट होती है वो परमाणु होता है। ये इन्होंने चौथे पॉइंट में कहा था। और जो विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं यानी जितने भी तत्व होते हैं उन तत्व में जो परमाणु है वो भिन्न भिन्न होते हैं, उनका आकार भी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, यानी विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। आज उन्होंने कहा कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं, विभिन्न साइज के होते हैं, किंतु एक ही तत्व में पाए जाने वाले परमाणु का आकार द्रव्यमान एक समान होता है। ठीक है, यानी सपोज कर लीजिए अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए इस क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन तत्व में, क्लोरीन एलिमेंट में जितने भी एटम पार्टिसिपेट हो जुड़ेंगे उनके सभी के आकार, प्रकार, साइज, द्रव्यमान सब क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यही दूसरे एटम की बात करते हैं, मान लीजिए हम O2 की बात कर लें, अब क्लोरीन का यानी जो क्लोरीन के परमाणु की साइज होगी, द्रव्यमान होगा, आकार प्रकार होगा,
वो ऑक्सीजन के परमाणुओं के आकार से, प्रकार से, साइज से, द्रव्यमान से भिन्न होगा। ठीक है, किसी भी दो तत्वों के में अगर हम तुलना करते हैं, परमाणुओं की बात करते हैं, तो उनके आकार, प्रकार, साइज सब क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन एक ही तत्व में पार्टिसिपेट होने वाले सभी परमाणुओं का आकार, प्रकार, साइज, द्रव्यमान सब कुछ क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। देखिए, वैसे डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रसायन के क्षेत्र में बहुत ही योगदान रहा है, फिर भी इसमें कुछ कमियां आ गई हैं। देखिए, उन्होंने कमियां क्या है, यानी परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण कैसे और किस प्रकार होता है, इसकी व्याख्या करने में वो सफल नहीं हुए। ठीक है, यानी परमाणुओं के मिलने से जो अणु बनता है वो किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, इस प्रश्न का उत्तर डाल्टन नहीं दे पाए। ठीक है, दूसरी उनकी कमियां थी कि किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं, यौगिक में परमाणुओं की व्याख्या करने में भी असफल है। ठीक है, तीसरी कमियां उनकी, ठीक है, यानी परमाणु और यौगिक मुक्त अवस्था में क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट उन्होंने ये कमियां और थी कि एक ही परमाणु, एक ही तत्व के, मान लीजिए वो समस्थानिक के फॉर्म में है, तो उनका द्रव्यमान क्यों अलग अलग होता है, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान क्यों अलग अलग होता है, इसकी भी व्याख्या करने में डाल्टन असफल है। देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, ये एक ही तत्व है, ये भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन इनका, इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम की बात करते हैं, ये इनके अब नेक्स्ट अब बाद में जब पढ़ाएंगे तो ये समस्थानिक की बात करते हैं। ऐसे में इन इन प्रश्नों का जवाब डाल्टन नहीं दे पाए कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान क्यों अलग अलग होता है, इसकी भी व्याख्या करने में डाल्टन असफल रहे। तो ऐसे कुछ कमियां भी उनके परमाणु सिद्धांत में रही हैं, जो आगे चल के कुछ कमियां तो दूर हो रही हैं। ठीक है, देखिए इसी में फोर्थ एटम की बात देख लीजिए, परमाणु क्या है, एटम क्या है, एटम के बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल आपको बता चुके हैं। परमाणु क्या है, थोड़ी सी बात इसमें जान लीजिए कि जो परमाणु है ये, इसको एक्चुअल में इसका एटोमी होता है, एटोमी जो एटम वर्ड है ये एटोमियों से मिलकर बना होता है। ये एटोमी मीन्स होता है नो डिविजिबल, यानी परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अर्थात परमाणु हमारा अविभाज्य, ये ओल्ड थ्योरी के अनुसार रहा है, लेकिन अब न्यू कॉन्सेप्ट आप जानेंगे तो वो परमाणु भी हमारा विभाजित हो गया है। जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, इसके दो भाग होते हैं, ये भी आप जानते हैं कि बीच में न्यूक्लियस हमारा होता है, उसके बाहर ऑर्बिट होती है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि एक जो हमारा होल एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्यों होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के, इसलिए हमारा जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये पिछले वीडियो में आपने पढ़ चुके हैं। देखिए, परमाणु की बात होती है कि किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य है,
रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अब परमाणु कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जो फ्री स्टेट में रह सकते हैं, कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जो हमारे फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। जैसे नॉबल गैस की बात करते हैं, जो नॉबल गैसेस होते हैं वो फ्री स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी एटम हैं वो फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। तो परमाणु की परिभाषा कभी कभी पूछी जाती है कि परमाणु हमारा क्या है। परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने यूज किया था, डाल्टन ने किया था, ठीक है। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटा परमाणु हमारा होता है वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जिसका मास होता है 1.008 माइक्रोन। अब शेष इसके बाद का जो वीडियो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।